चमन में भी 14 अगस्त कौमी जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। चमन बाबे दोस्ती जीरो लाइन पर बलूचिस्तान का सबसे बड़ा परचम लहरा दिया गया। 120 फुट बुलंदी पर 60 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा परचम लहराया गया है। परचम कुशाई की तकरीब में कमांडेंट चमन, स्काउट्स, ब्रिगेडियर उमर और कबायली उमायदीन ने शिरकत की। पाक फौज और चमन स्काउट्स के जवानों ने परचम को सलामी भी दी। चमन बाबे दोस्ती जीरो लाइन से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल बासित अचकसई, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बासित, आगाह कीजिएगा। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में भी जश्न आज़ादी इंतहाई कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं बाबे दोस्ती जीरो लाइन पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो मरकजी परचम कुशाई की मरकजी तकरीब जारी है। परचम कुशाई जो है वो चमन स्काउट के कमांडेंट ब्रिगेडियर उमर और कबायली आमायदी ने की है। 120 फुट बुलंदी पर जो है वो 60 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा जो है वो परचम कुशाई की गई है। इस परचम कुशाई के तकरीब में सरकारी अफसरान के अलावा जो है वो यहाँ पर कबाली आमादीन सुकून और यहाँ पर बच्चों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की है। और परचम कुशाई के दौरान पाक फौज और एफसी के जवानों ने जो है वो परचम को जो है वो सलामी दी गई है। इस वक्त यहाँ डीसी ऑफिस में भी परचम कुशाई की गई है, वहाँ पर भी कबायली आमादी ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। और चमन शहर के मुख्तलिफ सरकारी और निजी दफातर में जो है वो तकरीबात का सिलसिला जारी है। पश्तून कबाइल की जानिब से यहाँ पर रैलियाँ निकाली गई है। यहाँ पर पाकिस्तानी परचमों की जो है वो बाहर आ गई है और मजली नगमों से जो है वो फिजा जो है वो गूंज उठी है। और तकरीबात बहुत शुक्रिया आपका।